चलिए तो एक एक करके उन शेयरों पे बात कर लेते हैं जिन पर है खबरें, खबरों के चलते यहां पर देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन ये बताएंगे अंशुल जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदें बेचें या बने रहें, लेकिन निर्णय सोच समझ करके लीजिए। अब बाजार ऐसी स्थिति में नहीं है कि खुद ही निर्णय ले लें, कम से कम जो बातें कही जा रही हैं एक्सपर्ट की तरफ से उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए बीकाजी फूड्स के साथ शुरुआत करते हैं, कम से कम बाजार में नहीं तो कम से कम शेयरों के माध्यम से ही मुंह मीठा कर लिया जाए। अच्छी खबर है, नतीजे अच्छे रहे हैं, दूसरी तिमाही का मुनाफा करीब करीब 15% बढ़ करके 68.6 करोड़ रुपए रहा है, तो पिछले साल के मुकाबले करीब 15% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। आय में भी हम देख रहे हैं कि 19% का इजाफा देखने को मिला है और ये 721.2 करोड़ रुपए रही है। आपको बता दें कंपनी की अगर हम बात करें इबिट्टा की तो इसमें ठीक ठाक इजाफा रहा है, 22% कंपनी का इबिट्टा दूसरी तिमाही का बढ़ा है और ये बढ़ करके 106.7 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की जो पैकेज मिठाई है उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसके चलते अब हाल फिलहाल में जो त्यौहारी सीज़न जो अभी चल रहा है उसमें जो है हमने देखा काफ़ी अच्छी बिक्री रही है, उसका फ़ायदा जो है नतीजों में देखने को मिला है। और आज जो हमने खबर जब तक बनाई थी तब तक बीकाजी के शेयरों में 6-4% की तेज़ी बनी हुई थी और अभी अगर हम देखें 3.5% अभी भी ऊपर कामकाज कर रहा है बीकाजी फूड्स। सर, इस गिरावट और कड़वाहट भरे माहौल में थोड़ी मिठास घोलने की कोशिश यहाँ पर बीकाजी फूड की तरफ से, क्या कैसे देख रहे हैं सर आप इस शेयर को, 863 के आसपास कैसा लग रहा है? देखिए पुलबैक था, क्वार्टरली वीवैप तक 887 उसको कंप्लीट किया और वहीं से सेलिंग आई है। अब ये सेलिंग अगर इंटेंसिफाई होती है और 840 का लेवल टूटता है स्टॉक में तो फिर थोड़ी डाउनसाइड गहराएगी और पहला टारगेट इसमें बनेगा 747 का। तो स्टॉक अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग के लिए सजेस्टेड नहीं है, है तो 840 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले लीजिए, उसके बाद स्टॉक खराब हो जाएगा। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी पर नजर डालते हैं फटाफट, कंसाई नेरोलैक। कंसाई नेरोलैक पे क्या कुछ खबरें हैं, यहाँ पर जमीन बेचने की खबरें आ रही हैं। कंपनी लोअर परेल में अपनी जो जमीन है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको एक हिस्सा जो है लैंड पार्सल जो है वो बेचने जा रही है और ये 726 करोड़ रुपए में कंपनी बेचेगी। अथॉन डेवलपर्स के साथ इन्होंने एक समझौता किया है ज़मीन को बेचने के लिए और इस पर जो है बोर्ड की मंजूरी भी मिल गई है। 6 नवंबर को कंपनी के नतीजे आने हैं, उस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि किस तरीके के नतीजे आएंगे और क्रूड में जो गिरावट रही थी उसके चलते उसका भी फ़ायदा कंसाई को मिलता हुआ बीच में दिखाई दिया था, लेकिन फिलहाल के लिए जब हमने खबर बनाई थी तो 1% ऊपर था, अब 2% ऊपर, 2.25% ऊपर जो है कंसाई नेरोलैक पेंट का शेयर जो है वो कामकाज करता हुआ। सर, कच्चे तेल की कीमतों की जो गिरावट थी उसका असर भी बीच बीच में इसको उसका शेयर को मिलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी 10% के आसपास का करेक्शन पिछले एक महीने में रहा है, आपकी टिप्पणी क्या होगी कंसाई नेरोलैक पे? देखिए पेंट स्टॉक्स में मैं काफी बुलिश हूँ, जमीन भी बेच रहे हैं, कुछ पैसा बैलेंस शीट में आएगा और क्रूड यहाँ से मेरे को कम से कम $20 नीचे लग रहा है तो इनके इनपुट कॉस्ट भी घटेंगे तो अगले 3 क्वार्टर के रिजल्ट इस स्टॉक के बहुत बेहतरीन आते हुए दिखेंगे। एशियन पेंट्स टॉप लग रहा है, टॉप पिक रहेगी एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है, उन दोनों का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, बट कंसाई नेरोलैक भी ऊपर में 300-350 रुपए आता हुआ दिखेगा। बट अगर इस थीम को पूरी तरीके से प्ले आउट करना है और अच्छे रिटर्न जनरेट करना है तो आपको इंडिगो पेंट्स और एशियन पेंट्स पे जाना चाहिए, कंसाई नेरोलैक थर्ड चॉइस है और जनरली मैं फर्स्ट सेकेंड के बाद छोड़ देता हूँ। इंडिगो पेंट और एशियन पेंट्स जो है इस थीम में ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो है ये तीसरे नंबर का विकल्प जो है कंसाई नेरोलैक जो है वो दिखाई दे रहा है अभी, आज हम देख रहे हैं अब मजबूती जो है यहाँ पर 2.25% की रही है। जरा साइंस को लेकर के आइए, आईटी में भी जो है एक और ऐसा सेक्टर जिसने थोड़ी बहुत राहत की सांस दी हुई है, वरना तो कहीं से भी जो है हम देख रहे हैं कि दबाव ही दबाव देखने को मिल रहा है। साइंस के नतीजे आए हैं, अच्छे रहे हैं नतीजे, 26.4% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये बढ़ करके 186.6 करोड़ रुपये रहा, ये पिछली तिमाही के मुकाबले बता रहे हैं आपको। और इसके अलावा कंपनी की आय में 10.3% का इजाफा देखने को मिला है पिछली तिमाही के मुकाबले और ये बढ़ करके 1849 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी के जो एबिट की बात करें तो इसमें करीब करीब 15.8% की बढ़ोतरी रही है और ये 230.7 करोड़ रुपए रहा है और यही उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते आज शेयर में जो है मजबूती देखने को मिल रही थी। इस कंपनी ने 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी वो भी घोषित किया है, अभी अगर देखें तो अब 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआती कारोबारी सत्र में तेज़ी ज़्यादा थी लेकिन अब इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। सर, 1789 1789 का लेवल देखने को मिल रहा है, नतीजे अच्छे रहे हैं लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है,
आपकी चॉइस, आपकी सलाह क्या रहेगी साइन पे? देखिए, हमको ये बहुत बेहतरीन लगता है काउंटर मिड कैप आईटी में। साइंट हम बार बार रिकमेंड कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। रिजल्ट्स भी इसके बहुत अच्छे आए हैं, मतलब अच्छे रिजल्ट आए हैं, और आईटी एज ए पैक हमको नेक्स्ट रैली में लीडर बनता हुआ दिख रहा है, फॉलोड बाई मेटल्स। तो मेटल और आईटी ये दो लीड करते हुए दिखेंगे, और एक बैंकिंग रहेगा, तो ये तीन सेक्टर लीड करते हुए दिखेंगे। आईटी में हमको मिड कैप में साइंट बहुत अच्छा लगता है, इसके बाद एम्फेसिस, और ये दो स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। लार्ज कैप में इंफोसिस हमेशा टॉपिक रहेगी, तो अगर आईटी स्पेस का नेक्स्ट बुल रन प्ले करना है आपको, क्योंकि वैसे भी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है आईटी, तो इसमें आपका पैसा रहना चाहिए। नेक्स्ट रन में ये स्टॉक आराम से 2400 रुपए, और 2400 का अगर ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो 2700 रुपए करीब का टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो इस स्टॉक को 12 से 18 महीने के प्रोस्पेक्टिव से आपको लेके रखना चाहिए। 1 से 1.5 साल के नज़रिए के साथ साइंट आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल कर के आई हैं, और बात कर लेते हैं ज़रा गोदरेज कंज्यूमर की। यहाँ पर भी नतीजों का ही माहौल देखने को मिल रहा है। सितंबर तिमाही में मुनाफा 13.5% बढ़ा है और ये बढ़कर के 491.31 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो जो है आय में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला है, और नतीजे जो हैं वो दूसरी तिमाही के वो अनुमान से बेहतर रहे हैं। और रेवेन्यू की बात करें 1.8% की बढ़ोतरी रही है यहाँ पर, और ये 3663.3 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। ज़रा इस पे अगर हम देखें एबिट्टा में भी बढ़त रही है, एबिट्टा करीब 8% के आसपास बढ़ा है, 759.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो ज़रा गोदरेज कंज्यूमर के भाव पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं, क्या स्थिति देखने को मिली है। मजबूती देखने को मिल रही है यहाँ पर, 2.3% से ज़्यादा की बढ़त गोदरेज कंज्यूमर में, अच्छे नतीजों का असर सर। 1290 1290 का भाव, आपकी टिप्पणी क्या होगी गोदरेज कंज्यूमर में इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरसोल्ड काउंटर है, इसमें कंटिन्यूअसली सेलिंग आई है। अगर पिछले 30 दिन 30 ट्रेडिंग सेशन देखें तो 20% गिरा था, तो एक डेड कैट बाउंस आ रहा है इस स्टॉक में। जब तक 1366 का लेवल नहीं निकलता है, स्ट्रेंथ नहीं लौटेगी, तो पुल बैक पे 1366 वॉच करना चाहिए। अगर उसके अराउंड रिजेक्शन बनता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी, लेकिन अगर 1366 निकाल लेता है तो फिर इस स्टॉक में बड़ी तेजी 1700 1750 डेवलप होती हुई दिखेगी। तो फ्रेश बाइंग तभी करना चाहिए जब अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर ले, 1366 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब फ्रेश बाइंग करना चाहिए। फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी। रैली इस पे 1360 के आसपास अगर रिजेक्शन बनता है तो एग्जिस्टिंग होल्डर्स को एक बार एग्जिट करना चाहिए। चलिए चलिए जरा और कुछ एक नतीजों पर नज़र डाल देते हैं बजिंग स्टॉक्स पर फटाफट, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और इन नतीजों का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है इस पर थोड़ी सी बात कर लीजिए सर, क्या करें इसमें। इंडसइंड बैंक दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, प्रॉफिट 39% घट गया है, 2181 से 1325 करोड़ रुपये। हालांकि एन आई ए की बात करें तो उसमें 5% का इजाफा ज़रूर देखने को मिला है, 5077 से बढ़कर के ये 5347 करोड़ रुपये के आसपास रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे डाउनग्रेड भी आ गए इंडसइंड बैंक पे, और पूरी तरीके से यहाँ पर अभी जो है माहौल अच्छा दिखाई दे नहीं रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी इंडसइंड बैंक को लेकर के, बने रहें जो लोग फंस गए हैं उनके लिए क्या नज़रिया रहेगा आपका? देखिए, संदीप जी ने भी यही सवाल किया था कि रिजल्ट के आसपास कौन सा शेयर ट्रेड करना चाहिए। तब भी मैंने कहा था रिजल्ट के आसपास शेयर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज अगर नेगेटिव आई तो बहुत बुरा फंसाता है, फिर 8-9 महीने लग जाते हैं उस शेयर से निकलने में। और इसने जिस आपका एक्सीडेंट किया है, ये बड़ा भारी, मतलब चार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। इमीडिएट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वीकली चार्ट पे, वो 980 रुपए के आसपास है। 980 तक ये स्टॉक डाउन मूव दे सकता है। 980 अगर प्रोटेक्ट होता है, 968-980 की जोन प्रोटेक्ट होती है, तो बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इतना ओवरसोल्ड हो जाएगा तब तक कि बाउंस बैक आना एक ऑब्वियस हो जाएगा, तो 968-980 की रेंज में एक बार बॉटम फिशिंग ट्राई करना चाहिए। 10-12-15% की अपसाइड मिल जाएगी, वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। सर ये बैंक जैसे बजाज ऑटो ने पूरे ऑटो का सेंटिमेंट ख़राब कर दिया, बाज़ार का भी किया, और अब क्या इंडसइंड बैंक ने बैंकिंग शेयरों के लिए और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और जिस तरीके से एफआईज बेच बेच के जा रहे हैं, क्या उनके लिए अब कोई चारा बचा नहीं है? क्योंकि जो सबसे बड़ा ट्रिगर था वो था नतीजे, और नतीजों से ऐसा कोई सरप्राइज पॉजिटिव नहीं निकल के आ रहा है।
देखिए इंडसइंड लार्ज कैप बैंक की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि टोन उसने सेट की है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में अगर इस तरीके के रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग आते हैं तब तो फिर बैंकिंग को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल चार्ट्स पे रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग स्टॉक्स को मिडिल स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, गिरावट में कम गिरे हैं, तो पैसा इसमें फ्लो होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट रैली में ये दो तीन सेक्टर आईटी हो गया, मेटल हो गया, बैंकिंग हो गया, ये रैली करते हुए दिख सकते हैं। तो अभी भी जब तक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक एकदम खराब नतीजे ना दे दे तब तक ये कहना ठीक नहीं होगा कि इंडसइंड बैंक ने या बैंकिंग के रिजल्ट एक खराब टोन में सेट हो रहे हैं। मुझे आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद है, बट जब तक चार्ट पे वो चीज बहुत क्लियरली नहीं दिखती है मैं बाय रिकमेंड करूंगा। ठीक है सर, जरा एनटीपीसी पे बात कर लेते हैं। एनटीपीसी के भी रिजल्ट आए हैं, पिटाई हो रही है यहाँ पर भी, और एनटीपीसी के दूसरी तिमाही के नतीजे देखें तो आय में मामूली बढ़त 0.6% की 44,983 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है, 44,696 करोड़ से बढ़ करके। मुनाफे में अच्छी बढ़त रही है 14% के आसपास की, लेकिन अनुमान से कम रही है, 5,380 करोड़ रुपए का कंपनी का मुनाफा रहा है, 4,726 करोड़ रुपए से बढ़ करके। 4.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के इंतज़ार में कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इनफैक्ट जो है वो पोजीशन बनाई है ताकि वो ग्रीन में जो है वो शेयर धारक की श्रेणी में भी पार्टिसिपेट कर सकें। अभी क्या करना चाहिए एनटीपीसी को लेकर के? देखिए एनटीपीसी में ऑलरेडी लास्ट वीक भी हमने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन का अभी जो डाउनसाइड है वो पहला टारगेट 380-382 के अराउंड आता है, तो अभी स्टॉक ने उस लेवल को टेस्ट नहीं किया, डाउनसाइड आता हुआ दिखेगा। और जहां तक इसके आईपीओ की बात थी, ट्रैक्शन न्यूज के साथ ही आना स्टार्ट होता है, तो बाई ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन वाला हाल होता है, तो रूमर में ही इसने बहुत बड़ी रैली नहीं ली थी जैसी लेनी चाहिए थी, तो वहीं से क्लियर था कि स्टॉक में थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे सेलिंग आती हुई दिख रही है। और अभी लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, एक बार 380 टूटता है तो फ्लश आना स्टार्ट होगा इसमें बहुत तेजी से, तो फिलहाल 380 तक वॉच कीजिए, उसके नीचे एकदम फ्लश सेलिंग आ जाएगी। आपकी जगह मैं होता तो मैं क्लियरली एग्जिट कर चुका होता, और नहीं भी किया होता तो आज का सेशन है, गैप के साथ ब्रेकडाउन है, मैं पुल बैक पे इमिडिएटली एग्जिट कर लेता। ठीक है सर, चलिए, तो ये जो है एनटीपीसी पे राय निकल कर के आ रही है, और अब इसी के साथ आईटीसी पे भी नज़र डाल लेते हैं, आईटीसी में क्या कुछ घट रहा है। आईटीसी पे ज़रा राय दीजिए सर, यहाँ पर आईटीसी के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत राहत जो है वो एफएमसीजी की तरफ से हल्का हल्का ठंडी हवा का झोंका कुछ मिल रहा है। 3% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 5,078 करोड़ रुपये रहा, 4,927 करोड़ से बढ़ करके। बहुत सरप्राइज तो नहीं रहा, लेकिन तब भी जो है उम्मीदें बनी हुई हैं आईटीसी को लेकर के। 1,93,027 करोड़ रुपए जो है 1,19,327 करोड़ रुपए माफ़ कीजिएगा कंपनी की आय रही है, 16,550 करोड़ रुपए से बढ़ करके 16% का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। आईटीसी के शेयर में आज मजबूती देखने को मिल रही है, और इसके अलावा आईटीसी के नतीजों के चलते बाकी जो एफएमसीजी शेयर हैं उनमें भी थोड़ा हरा निशान है। एचयूएल 1% ऊपर है, नेस्ले में मजबूती देख रही है, 2.25% ऊपर सर आईटीसी का शेयर, 482-483 का लेवल। क्या सलाह रहेगी सर आईटीसी को लेकर के? देखिए डिफेंसिव काउंटर्स हैं, थोड़ी सी तेजी दिख रही है, एचयूएल के रिजल्ट खराब आए थे बट आईटीसी अपने रिजल्ट बचा ले गया, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो डेली चार्ट पे भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, लेकिन वीकली चार्ट पे अपना मेजर ब्रेकआउट जो था 480 का उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज जा सकता है, कहीं भी 495-500 की रेंज के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर फ्रेश खरीदारी करना चाहिए, नेक्स्ट लेग में 600-625 जाता हुआ दिखेगा, खरीदारी लाइक स्टॉक दिख रहा है, लेकिन 495-500 के ऊपर स्ट्रेंथ प्रूव होने दीजिए, उसके बाद बाइंग करेंगे तो मोमेंटम मिलने के चांसेस काफी आ जाएंगे। चलिए ठीक है सर, चलिए इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहाँ पर समाप्त करते हैं।